जैन दोस्तों, आज के दिन में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पेपर। दोस्तों, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 50 अंकों का, और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 26 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपके पर पहला क्वेश्चन पूछा है, मानक ताप एवं दाब पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। इसको उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, केसी तथा केपी में संबंध लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों चौथे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर Mn का ऑक्सीजन अंक निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए दोस्तों, इसमें आपका यहाँ प्लस 7 आ जाएगा, और दोस्तों इसमें आपका यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 5 वाले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का हेनी रिमट सूत्र लिखिए, इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, विभिन्न भौतिक अवस्थाओं को एंट्रोपी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास 7 वाला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अम्ली बफर का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8 क्वेश्चन देख लीजिए, 0.01 NaCl की pH ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर pH मान ज्ञात करना है, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों बाहरी जल का रासायनिक सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए D2O, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, आपके पास 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन से तत्व दर्शाते हैं, ये आपको बताना है, इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम समझाइए, तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 12वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों पहले वाला परा यूरेनियम तत्व क्या है, बी वाला पूछा दोस्तों आपका द्वितीयक आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा का क्रम लिखे है, तो इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन पूछा है, एफ की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान Cl की तुलना में कम होता है क्यों, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इस तरह आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन देख लीजिए, दोस्तों इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, हेस का नियम समझाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हेस का नियम समझाना है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास 16 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन पर, 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वाष्प दाब तथा क्षणता पर ताप के प्रभाव को समझाइए। दोस्तों इसका आंसर फटाफट आपकी बुक से देख कर लगा लीजिए। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है, यहाँ पर पूछा है दोस्तों NH4+ का संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी सार लिखिए। यहाँ पर बी वाला पूछा है, लुईस अम्ल तथा लुईस सार को पहचानिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके 19 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है, आर्थो तथा पेरा हाइड्रोजन को समझाइए। यहाँ पर दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछा है, ए वाला पूछा है दोस्तों आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा था, ठीक है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर सही किया था। बी वाला देख लीजिए, आयनिक व धात्विक हाइड्राइड के उदाहरण दीजिए। दोस्तों आपको फटाफट इसका आंसर लगा लेना आपकी बुक से। अब दोस्तों आपके पर 21 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, O2 अणु का अनुकक्षीय ऊर्जा आरेख बनाइए तथा संघ क्रम ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित को समझाइए। दोस्तों आपको यहाँ पर ए और बी को समझाना है, यहाँ पहला दिया तो N+L का आपको नियम लिखना है, और दूसरे में आपको दोस्तों हुंड का नियम लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, 23 क्वेश्चन के यहाँ पर ए वाला दिया है, द्रव की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। या बी वाला पूछा है दोस्तों, एक बार दाब पर पात्र में भरी गैस का आयतन 500 ml है, तो 5 बार दाब पर गैस का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 24 क्वेश्चन पर, 24 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 24 क्वेश्चन के यहाँ पर ए वाला पूछा है, गिब्स हेल्प होल्डर्स समीकरण लिखिए। बी वाला पूछा है, संभवन
एंटेबल को समझाइए। अब दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ए वाला पूछा है डेनियल सेल की क्रियाविधि लिखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बी वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसका तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद करना चाहो तो इसको याद कर लीजिए, यदि आप इसके क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर याद करना चाहो तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों 26 क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए सक्रिय द्रव्यमान के नियम को समझाइए, यहाँ पर बी वाला पूछा है सूचकों के आष्टवाद सिद्धांत को समझाइए, अथवा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है समयायन प्रभाव को समझाइए, बी वाला पूछा है सूचकों के किन्वन्यास सिद्धांत को समझाइए। तो दोस्तों ये आपके पर कक्षा 11वीं का यहाँ पर दोस्तों रसायन विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का सोल्यूशन देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दोस्तों आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 4 लीटर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों, यही से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 3 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर केसी और केपी में यहाँ पर संबंध लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 4 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों इसमें दोस्तों आपका +2 आ जाएगा, ठीक है, इसमें +2 आएगा दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पर क्वेश्चन 5 के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 7 यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 7 के यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 9 के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर बाहरी जल का सूत्र लिखने के लिए बोला गया था D2O, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 10 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 11 का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 12 पर, तो क्वेश्चन 12 का यहाँ पर पहले का यहाँ पर आंसर दे लीजिए और यहाँ पर दूसरे का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 13 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन 13 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए आपको क्वेश्चन 14 का आंसर आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ पर 15 का आंसर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए आपके पर क्वेश्चन 16 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जूम करके यहाँ पर बता देता हूँ, आप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर आंसर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 26 तक के आंसर आपको आपकी बुक से देखकर अच्छे से लगा लेना है और याद कर लेना, ठीक है, और इस पेपर को पूरी याद कर लें, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।